इसी संग्राम में अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आखिरकार गुस्सा क्यों आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो, सीएम के बोलने के दौरान पास खड़े थे मंत्री रामलाल जाट और मंत्री जाट ने सीएम के सामने रखा कागज उठाया, सीएम का ध्यान भटका तो बता दे कि यहां पर झड़झड़ाहट दिखाई दी। सीएम ने तुरंत मंत्री रामलाल जाट से कागज छीना, कहा बंद करो इसको और जाट के हाथ से कागज छीन कर रख दिया। मंत्री रामलाल जाट भी रह गए हैरान, हालांकि अपने बॉस की बात पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। आमतौर पर सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं करते सीएम अशोक गहलोत। भीलवाड़ा में दो दिन पहले का बताया जा रहा है वाकया। आप देख सकते हैं वो तस्वीर भी आपको दिखा रही है, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आप देखिए कि जब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ संबोधन हो रहा था उस दौरान किस तरह से यहाँ से उन्होंने पेपर उठाया रामलाल जाट ने, उसके बाद मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को अचानक गुस्सा आ गया। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता, बहुत कूल रहते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये गुस्सा आ गया, उन्होंने पेपर तुरंत छीन लिया और रख दिया टेबल पर जैसा कि आप देख रहे हैं। जो मांगा मुझसे वो दिया है, ठीक है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार वायरल हो रही हैं, लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आखिरकार ये गुस्सा कैसे आ गया, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है वो सभा में इस तरह से गुस्सा नहीं जाहिर करते, कूल रहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। वही आपको बता दें कि सीएम के बोलने के दौरान पास खड़े मंत्री रामलाल जाट और मंत्री जाट ने सीएम के सामने से रखा कागज उठा लिया, इस दौरान मुख्यमंत्री का ध्यान भटक गया और उन्हें गुस्सा आ गया। सीएम ने तुरंत मंत्री रामलाल जाट से कागज छीन लिया और कहा कि बंद करो इसको और जाट के हाथ से कागज छीन कर रख दिया वापस टेबल पर। मंत्री रामलाल जाट भी हैरान रह गए, हालांकि अपने बॉस की बात पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आमतौर पर सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भीलवाड़ा में दो दिन पहले का ये वाक्य बताया जा रहा है। आपको देखिए हाईलाइट करके भी दिखा रहे हैं किस तरह से रामलाल जाट जो हैं इस पेपर को उठा लेते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री जी का ध्यान भटक जाता है, वो पेपर यहां से उनसे छीन लेते हैं, उसके बाद वापस टेबल पर रख देते हैं। तो किस तरह से उनका गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है, बंद करो इसको ये भी वो ये कहते हैं। तो यानी कि जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनका ध्यान भटकता है, तो उन्हें गुस्सा भी आ गया यहां पर इस दौरान। लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया रामलाल जाट ने हालांकि नहीं दी है अपने बॉस की, बॉस पर कैसे प्रतिक्रिया दे दे। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो, हालांकि देखा जाता है आमतौर पर कि मुख्यमंत्री काफी कूल रहते हैं, शांत दिमाग से रहते हैं, लेकिन ये देखिए कि पेपर जब सामने से उठाया मंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री को भी जो है थोड़ा सा ध्यान भटका तो गुस्सा आ गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि किस तरह से रामलाल जाट जो है जब मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा था तो पेपर उठाते हैं, फिर मुख्यमंत्री पेपर छीन के वापस रख देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण ये वीडियो चर्चा में आया, इससे पहले इसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी। दरअसल दो दिन पहले जब मुख्यमंत्री दूदू गए थे, उसी दिन ब्यावर होने के बाद में शाम को भीलवाड़ा पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे AICC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दौरे पर आ रहे हैं, उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने सीएम अशोक गहलोत गए थे। तो उन्होंने उसी दौरान अपनी बात रखी, वो कह रहे थे कि आपने जो मांगा है वो दिया है। तो रामलाल जाट ने मुख्यमंत्री के सामने रखा एक पर्चा उठाया, तो मुख्यमंत्री को लगा कि शायद ऐसा लगा होगा कि ध्यान भटकेगा इससे लोगों का कि रामलाल जाट ने क्या उठाया, और उन्होंने हाथ से लेकर के उस पर्चे को रख दिया। ठीक है, आपके पास आऊंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। ये मांगे गवर्नमेंट ने नहीं किए इतने काम कर।